पुंछ के अंदर डे नाइट मैच जो है पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और शहीद अब्दुल मजीद के नाम पर ये डे नाइट मैच जो है वो पुंछ प्रशासन की तरफ से जो है वो करवाए जा रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में पहली बार डे नाइट मैच जो है वो खेला जा रहा है। और अगर हम बात करें तो लगातार पिछले कई दिनों से स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में डे नाइट मैच जो है वो खेले जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो इस स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है इस मैच को देखने वाले जो है वो पहुंच रहे हैं। और अगर हम बात करें तो पहली बार स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ के अंदर जो है डे नाइट मैच जो है वो करवाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब्दुल मजीद जो के राजौरी इलाके में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे, उनके नाम पर ये टूर्नामेंट जो है वो पुंछ प्रशासन की तरफ से जो है वो करवाया जा रहा है। और अगर हम वहीं पुंछ प्रशासन की ये कोशिश रंग लाई क्योंकि पुंछ ज़िले में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और गर्मी के चलते पुंछ प्रशासन ने यह सोचा कि इस बार रात को टूर्नामेंट जो है वो करवाया जाए और वो टूर्नामेंट रंग लाया। आपको बता दें राजौरी, पुंछ, मैंडर, मंडी, सुरमकोट और पुंछ के अलग अलग जगहों से प्लेयर यहाँ पर पहुँचे जिन्होंने डे नाइट मैच खेले। लगभग 26 मैच इस समय हो चुके हैं और 4 से 5 मैच और बचे हैं। आपको बता दें यहाँ पर लाइट की अच्छी व्यवस्था जो है वो की गई है और बड़ी संख्या में लोग इस मैच को देखने के लिए भी पहुँच रहे हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम की अगर हम बात करें तो 3 मैच जो हैं वो इस समय हो चुके हैं और लगातार यहाँ पर जो है डे नाइट मैच जो है प्रशासन की तरफ से जो है वो करवाए जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लाइट का बंदोबस्त जो है वो किया गया है। अगर लाइट बंद होती है तो यहाँ पर जनरेटर जो है उसे भी जो है रखा गया है। जैसे ही लाइट बंद होती है तो जनरेटर जो है वो लगा दिया जाता है और लाइट जो है पूरी की जाती है ताकि यहाँ पर खेलने वालों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। हमारे साथ कोच साहब हैं, सीधा उनसे ही बात करते हैं। कोच साहब, देखा जा रहा है कि पहली बार स्पोर्ट्स स्टेडियम की अगर बात करें तो यहाँ पर डे नाइट मैच जो है वो खेले जा रहे हैं और कितना युवाओं का जो है वो साथी इस बार मिला है? बिल्कुल, जैसे आप देख ही रहे हैं कि कितना क्राउड यहाँ पे आ रहा है इस मैच को देखने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में ये नाइट टूर्नामेंट का जो करवाया जा रहा है, जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ उनका ये इनिशिएटिव था और ये जो पूरा टूर्नामेंट है ये हमारे जो शहीद हवालदार अब्दुल मजीद जी हैं जो कालाकोट एनकाउंटर में शहीद हुए थे उनके नाम पर यह टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। और जो लाइटिंग अगर आप देख रहे हैं, हमारी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स थे कि प्लेयर्स को कोई दिक्कत ना आए। इसमें एक्शन पीडीडी का बहुत बड़ा एक योगदान है इस पूरी लाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए और सफिशिएंट लाइट प्रोवाइड करने के लिए ताकि प्लेयर जो है वो अपना नॉर्मल क्रिकेट खेल पाएं। जैसे आपने बोला कि हमने एक बैकअप भी है जहां पे जनरेटर भी है, अगर लाइट चली भी जाती है तो हमारा वो बैकअप प्लान पीछे है ही है। तो कुल मिला के यही है कि हम लोग यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ एंगेज किया जाए, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सेक्शन स्पोर्ट्स का ही ये टेक्निकली सब जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम लोग यहाँ देख रहे हैं। कोई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कितनी टीमें इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है और कहां कहां से जो है वो टीमें? जी, इस पूरे टूर्नामेंट में 26 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। वो हर एक जिले की हर एक नूक एंड कॉर्नर से, यहां पे मंडी से टीम है, बांडी चिचे से टीम है, मेंडर से लड़के आके खेल रहे हैं, सुनकोट से खेल रहे हैं, अजोर से, मतलब हमारा ये था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के नूक एंड कॉर्नर को टच किया जाए, हर जोन से, हर ब्लॉक से, हर तहसील से बच्चे यहाँ आके पार्टिसिपेट करें और एक उनके लिए अलग एक एक्सपीरियंस रहेगा कि वो नाइट में मैच खेल रहे हैं जो शायद उनको इतना मौका नहीं मिल पाता। तो इसलिए हम लोगों ने हेडक्वार्टर में ये डिसाइड किया। इसके बाद एक शायद और इनिशिएटिव है जो मंडी और मैंडर में भी इसी तरह के नाइट टूर्नामेंट आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सभी यूथ से कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आए, स्पोर्ट्स में खेले और ड्रग्स की तरफ ना जाए, ना कि और किसी एंटी सोशल एक्टिविटीज में जाए। ये सारा प्लेटफॉर्म यूथ के लिए तैयार किया गया, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ J&K का एक इनिशिएटिव है कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ला जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए। उसी के तहत अगर हम देखें तो आप पिछले कई सालों
में बीते सालों में देखोगे पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा प्लेटफॉर्म मिलना खेलने के लिए, तो बच्चे इसी तरह आते रहे ग्राउंड में और पॉजिटिव। क्या कोई साहब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पुंछ के अंदर और इस तरह के टूर्नामेंट जो है वो करवाए जाएंगे? हाँ जी, जैसे डीसी साहब का एक इनिशिएटिव है कि ऐसा ही एक हॉकी का टूर्नामेंट भी नाइट में करवाया जाए। अभी टेबल टेनिस हॉल का इनॉग्रेशन हुआ, वो भी एक ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है वो चल रही है। पिछले साल हमने आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर एक जोन वाइज टूर्नामेंट करवाया था, तो लगातार यही कोशिश है कि टाइम टू टाइम डिफरेंट गेम्स की एक्टिविटीज करवाए जाए और बच्चों को उनमें एंगेज किया जाए, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, यही हमारा मकसद है। तो जिस तरह से कोई साहब ने बताया कि आने वाले दिनों में यहाँ जो है हॉकी का जो है डे नाइट मैच जो है वो भी खिलाया जाएगा और पुंछ के अंदर पहली बार स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर अगर हम बात करें तो पहली बार इस तरह का टूर्नामेंट जो है नाइट टूर्नामेंट जो है प्रशासन की तरफ से करवाया जा रहा है, तो किस तरह से बच्चे जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं? शुक्रिया, आप ग्राउंड में आए, मीडिया का धन्यवाद करता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि ये टूर्नामेंट जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एक अच्छा इनिशिएटिव स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में लिया गया है, क्योंकि इससे पहले अगर आप बात करें तो 90s में तो कॉलेज ग्राउंड में एक टूर्नामेंट हुए, तो उसके बाद हाई सेकेंडरी में एक नाइट टूर्नामेंट हुआ था, लेकिन स्टेडियम की बात करें तो ये पहला नाइट टूर्नामेंट है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करवाया जा रहा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के जो जितने भी ऑफिशियल हैं या उनके ऑफिसर हैं उनकी मदद से ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप अगर बात करें कि माहौल कैसा है इस टूर्नामेंट का, तो दिन को आप देखें कि इस वक्त कितनी गर्मी है, तो रात को आप ग्राउंड में आते रहते हैं तो आप यहाँ का माहौल देखें कितनी अच्छी हवा चलती है, और जितने भी फैमिलीज जो हैं वो 7-8 बजे घर से निकलते हैं, लोग कुछ खाना खा के 8-9 बजे में निकलते हैं, तो तकरीबन 11-12 बजे तक ये मैच चलते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक फ्रेंडली माहौल यहाँ पे बना हुआ है। मैंडर से, सुनकोट से, बफलियाज से, मंडी से, पुंछ के लोकल टीम्स जितनी भी हैं, कन्हैया, मतलब पूरा एरिया जो पुंछ का है यहाँ पे कवर किया गया है और टूर्नामेंट जो चल रहा है। कोई साहब एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, 26 मैच जो हैं वो हो चुके हैं और लगभग 2 से 3 मैच जो हैं और बचते हैं, क्या इसके बाद भी इस तरह के टूर्नामेंट जो है वो पुंछ के अंदर करवाएंगे? उम्मीद है कि हम भी जो चाहते हैं कि जो यूथ जितना भी है वो ऐसे टूर्नामेंट से बहुत खुश है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी गर्मी का प्रकोप जो है पूरे भारत में आप देखें तो बहुत ज़्यादा है, तो छुट्टियां जो है वो विंटर जोन तो खुला है, समर जोन में पूरा जो है बंद है, अभी स्कूल्स भी बंद हैं, तो अभी 20-22 दिन हैं, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करेंगे कि अगर एक परमिशन कोई भी टूर्नामेंट अगर करवाना चाहता है तो एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव ले, तो एक टूर्नामेंट जो है वो यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई इतना खर्चा ज़्यादा भी नहीं है, एक बॉल का है, तो अगर उसमें अगर टीम्स 1000 या 1500 एंट्री या 500 भी दे के या अपनी रिफ्रेशमेंट वो खुद ला के यहाँ खेल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इतना तो टीम्स 5-5, 10-10 हज़ार एंट्री दे के ये प्लेयर जितने भी यहाँ खेल रहे हैं वो लोग खेलते हैं, तो अगर 1000 अगर वो एंट्री दे के भी खेलेंगे तो बाकी जो PDD डिपार्टमेंट है उनका भी बहुत, क्योंकि मैं अगर शुक्रिया अदा ना करूँ तो गलत है, क्योंकि जितनी भी लाइटिंग का जहाँ सिस्टम है वो सारा उनका है, स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ के जो मैनेजर हैं उनका भी शुक्रिया जिन्होंने ये ग्राउंड जो है प्रोवाइड किया, तो PDD का अगर मैं बात करूं तो इस हिसाब से इंतजाम किया गया है कि अगर आप देखें तो जितने भी फील्ड यहाँ पे हॉकी की फील्ड है पोल उससे बाहर है, फुटबॉल की फील्ड है वहाँ पे बच्चे शाम को फुटबॉल में प्रैक्टिस करते हैं, तो जितने भी गेम्स वो भी चल रही है, अदर एक्टिविटीज भी चल रही है और रात को जो एक टूर्नामेंट है वो भी पूरा भी चल रहा है। कोई साहब जो हमारे पुंछ के युवा हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा जिस तरह से ये टूर्नामेंट खिलाया जा रहा है यहाँ पर और देखा जा रहा है कि दूर दूर से जो है युवा मैच खेलने के लिए आ रहे हैं, पुंछ के युवाओं के लिए क्या मैसेज है? सर, हमारा जो मेन मोटिव जो अगर हम अपनी बात करें तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का यही रहता है कि जितने भी पुंछ के युवा हैं, खास करके हम बच्चों की बात करें क्योंकि हमारा जो रोल है वो बच्चों के साथ होता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि बच्चे तो हैं ही हैं, 14-15 साल के बच्चे भी खेल रहे हैं, 30 साल का 25 साल का नौजवान भी खेल रहा है, तो एक जो इसमें एडिशन जो हुई थी उसमें ये थी कि पहले एज रिलैक्सेशन 30 तक दी गई, तो उसके बाद डीसी साहब ने के पास अप्रोच की लड़कों ने कि नहीं हम भी जो बड़े थे वो भी खेलना चाहते हैं, तो अभी आप देखें तो यहाँ पे जो एक 50 साल तक भी लोग जो हैं यहाँ पे खेल रहे हैं और पूरा टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं, साथ में रात का जो मौसम है उसको भी एंजॉय कर रहे हैं और बड़ा फ्रेंडली माहौल बना हुआ है यहाँ पे, कोई बिल्कुल शांति है, पुलिस का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि पूरी रात जब तक 11-12 बजे तक मैच खत्म नहीं होता पुलिस के जवान यहाँ पे ड्यूटी पे रहते हैं कि कोई ऐसी वारदात ना हो, लेकिन ऐसा कोई ना ही हुई है अभी तक और हम आगे भी नहीं चाहते क्योंकि 2 या 3 दिन का टूर्नामेंट और बचा है और ऐसा कोई भी ऐसी वारदात नहीं हुई और हम भी चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट शांतिपूर्वक यहाँ पे जो खत्म हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
पर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जितने भी कोच थे, हमने उनसे बात किया, उनका भी यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो है स्पोर्ट्स से जोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और पुंछ प्रशासन की ये बहुत बड़ी कोशिश थी कि इस तरह का टूर्नामेंट जो है पुंछ के अंदर करवाया जाए, और आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर जो है हॉकी का टूर्नामेंट जो है वो भी नाइट में करवाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और अगर हम बात करें तो लगातार युवा जो हैं खेलों से जो है वो जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन की कोशिश थी, उस कोशिश को जो है युवाओं ने जो है वो सच कर दिखाया। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि 26 टीमें जो हैं इस समय खेल चुकी हैं और 3 से 4 टीमें जो हैं और बची हैं, जो मैच 3-4 दिन और होने हैं वो भी यहां पर जो है इसी तरह खेले जाएंगे। हम भी उन युवाओं से ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप स्पोर्ट्स से जुड़े रहें, क्योंकि स्पोर्ट्स से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप नशे से जो है वो दूर रहेंगे।